हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई चपाती के स्नैक्स। अब बची हुई चपाती के स्नैक्स कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ एक चपाती ली है, उसको इस तरह से मैंने कट कर लिया है और उसके भी मैंने इस तरह से कट किया है कि हम इसकी चौकोर शेप में चिप्स किट जैसे इसको कट कर सकें। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने पहले इस चपाती के लंबे लंबे पीसेस कट कर लिए हैं, उसके बाद में इस तरह से मैंने इसके चौकोर पीसेस कट किए हैं, तो ये स्नैक्स के रूप में हमारे पास काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप पूरा देखिए, क्योंकि मैंने इसको जिस ट्रिक से बनाया है वो उस तरह से अगर आप इसे बनाएंगे तो बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए, सभी चपाती, ये जो मैंने एक चपाती ली थी उसको पूरा कट कर लिया है। अभी मैं एक ही चपाती का स्नैक्स बना रही हूँ। और मैंने यहाँ कढ़ाई में ऑयल गरम किया है, उसके अंदर मैंने इस तरह से जो पीसेस काटे थे चपाती के उसको इस तरह से फ्राई होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से गोल्डन कलर होता जा रहा है धीरे धीरे चपाती का। तो मैंने इसको फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी है। तो इसके अंदर अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर पहले प्याज डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, इस तरह से थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाले हैं टमाटर। ये टमाटर मैंने कट करके, बारीक कट करके डाल दिया है। अब थोड़े से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुकी है हमारी रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और किस किस ने इस रेसिपी को बनाया। इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए आप इसमें चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं।